Hello students, today we'll start another poem Taakat Ki Duniya written by Manglik Darbar. अक्सर इंसान ताकत का इस्तेमाल जिंदगी में या तो हक पाने के लिए या फिर किसी का हक छीनने के लिए करता है। इसमें बहुत सारे ताकत है, आर्थिक ताकत मतलब पैसे की ताकत, शारीरिक ताकत और एडमिनिस्ट्रेटिव ताकत यानी कि प्रशासन की ताकत, फिर मंत्र तंत्र की ताकत, ऐसे बहुत सारे ताकत हैं जिस ताकत का प्रयोग इंसान अपना कद बढ़ाने के लिए या फिर दूसरों का कद छोटा करने के लिए इस्तेमाल करता है। आजकल आधुनिक समाज में कुछ लोग बेवजह अपनी ताकत का प्रदर्शन करना मुनासिब समझते हैं, जरूरत हो या ना हो फिर भी वे लोग अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं। कोई आर्थिक ताकत, कोई प्रशासनिक ताकत, कोई शारीरिक ताकत दिखाने में अपने आप को कृतकार्य यानी कि सारांश यानी कि अपनी प्रगति का चिन्ह मानते हैं। वहां पर इन्हें अपना व्यक्तित्व, समाज पर उसका प्रभाव, ये सबसे कुछ लेना देना है नहीं। अहंकार में डूबकर आत्मगर्व अहंकार में डूबकर वे लोग अपनी ताकत का प्रदर्शन करते रहते हैं, जबकि उसकी वजह ना ही उनको पता है ना ही किसी और को। तो अपनी ताकत दिखाने के लिए वे लोग बाह्य दिखावा एक्सटर्नल रिचुअल एडमेंट और शोइंग नेचर को ये लोग बाहर प्रकट करते हैं, चाहे वो धन का हो, चाहे वो प्रभाव का हो, कुछ भी हो, उसकी जरूरत हो या ना हो तो भी। तो कवि ये जो बाह्य आडंबर, बाह्य दिखावा और बाह्य प्रदर्शन ये सबको व्यर्थ मानते हैं और वे सब दिखाने के लिए ये लोग अक्सर समाज में एक दूसरे के साथ भागदौड़ करते रहते हैं, जबकि कवि के अनुसार ये सब व्यर्थ है या फिर व्यर्थ प्रयोजन है। तो देखते हैं ताकत की दुनिया, इनकी दुनिया निराली है, इनकी दुनिया अलग है। ये अपनी दुनिया में जीते हैं, अपनी दुनिया में अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं और उसी से ये लोग खुश होते हैं। ताकत की दुनिया में जाकर मैं क्या करूंगा, मैं सैकड़ों हजारों जूते चप्पल लेकर क्या करूंगा, मेरे लिए एक जोड़ी जूते ही ठीक है, ठीक से रखना कठिन है। हजारों लाखों कपड़ों मौजों दास्तानों का मैं क्या करूंगा, उन्हें पहनने का हिसाब रखना असंभव ही होगा। कवि कहते हैं जो लोग आधुनिक समाज में अपने पैसे की ताकत दिखाने के लिए वे वजह ही बहुत सारे सामान खरीदते हैं और उन सामान का प्रदर्शन करते हुए अपने आप को समाज में श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करते हैं, ये पैसे का घमंड है। इसलिए कवि कहता है कि जो लोग अपने पैसे की ताकत दिखाने के लिए सैकड़ों हजारों जूते चप्पल ये सब खरीदते हैं वे बेकार है, व्यर्थ है, क्योंकि मेरे लिए
एक जोड़ी जूते ठीक से रखना असंभव। दो ही पैर तो है जो साहब, एक ही जोड़ी तो जूते पहनेंगे, तो फिर पैसे की ताकत दिखाने के लिए इतने सारे जूते चप्पल लाकर घर में इकट्ठा करना कवि को पसंद नहीं। और कवि इस ताकत की दुनिया को नकारते हैं, इस ताकत की दुनिया को वे पसंद नहीं करते हैं। ये तो कह रहे हैं दो ही तो पैर है, एक जोड़ी जूते ही मेरे पैरों के लिए काफी है, मैं पैसे की ताकत दिखाने के लिए इतने सारे जूते चप्पल व्यर्थ में बेकार में खरीद कर क्यों रखूं, बाहर अपने अर्थ की ताकत क्यों दिखाऊं। हजारों लाखों कपड़ों मौजों दास्तान, आप लोगों को याद होगा जो अमीर लोग हैं वे लोग जरूरत हो या ना हो फिर भी कपड़े मौजों मतलब जो पैर में पहनते हैं, दास्तानों मतलब जो हाथ में पहनते हैं, इतने सारे कपड़े मौजों दास्तानों ये सब ये लोग इसलिए खरीदते हैं क्योंकि आजू बाजू के लोगों को अपने पैसे की ताकत घमंड दिखाना पसंद करते हैं। कवि का ये मानना है ये जो लाखों कपड़े जूते मौजे दास्ताने ये सब खरीदना बेकार है क्योंकि एक तो इन्हें पहनना कवि के लिए असंभव है, दूसरा साफ सफाई करते हुए इन्हें हिफाजत से रखना भी एक कठिन काम है जो कवि के लिए संपूर्ण रूप में असंभव है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जो अमीर घराने के बच्चे हैं जिनके घर में पूरा अलमारी भरती हुई कपड़े होंगे, उनको किसी पार्टी के टाइम एक अच्छे कपड़ा एक अच्छा ड्रेस नहीं मिलता है, पूरे आलमारी छान मार लेंगे फिर से एक नया ड्रेस ही खरीदेंगे, उनको पुराने ड्रेस पसंद नहीं आते, ये पैसे का घमंड है। जिन गरीबों के पास एक दो तीन जोड़ी ड्रेस होते हैं कपड़े होते हैं वो एक पहनते तो दूसरा साफ करके रखते हैं, दूसरा पहनते तो तीसरा साफ करके रखते हैं, कपड़े चूज करने का प्रॉब्लम उन लोगों को है जिनके पास सैकड़ों कपड़े हैं मौजों दास्तानों है, उन्हें किसी बात का फिक्र नहीं, कुछ दिन पहले उस कपड़े को फेंक दिए फिर से नए ब्रांडेड कपड़े लाकर पहनेंगे, सिर्फ ये पैसे की ताकत दिखाना चाहते हैं। कभी कभी ये माने इतने सारे कपड़े मौजों दास्तानों हिफाजत से रखना मेरे लिए कठिन है असंभव है, इनमें चोरी होने का भी डर है, इसीलिए वे वजह ही मैं इतने सारे कपड़े दास्तानों मौजों ये सब खरीद कर रखना नहीं चाहता, मैं इतने सारे कमरों का क्या करूंगा, ये दुनिया घर है कोई होटल नहीं, और मेरी नींद का आकार हद से हद एक चिड़िया के बराबर है। आज लोगों को रहने के लिए घर नहीं, किसी के सर पर छत नहीं तो किसी के पास चार चार पांच पांच बंगले हैं, रहने के लिए लोग भी नहीं होते उन बंगलों में। आज गरीबों को मकान इसलिए नहीं मिल रहे हैं कि ये नहीं कि जमीन छोटी होगी, उन्हें मकान इसलिए नहीं मिलते हैं क्योंकि बाकी लोग जो अमीर लोग वे बड़ी बड़ी जमीनों पर जबर दखल करके बैठे हुए हैं, जिन्हें एक घर चाहिए वो तीन बंगला बनाकर मालिक बना बैठा हुआ है, जबकि किसी गरीब को एक छत भी नसीब नहीं, वो बेचारा खुले आसमान के नीचे जीवन बिताने के लिए मजबूर हो जाता है। इसलिए कवि कहते हैं पूरी दुनिया मेरा घर है, मैं ढेर सारे कमरे क्यों बनवाऊं, ये दुनिया है कोई होटल थोड़ी है, क्योंकि कमरे सिर्फ होटल में बुक किए जाते हैं, कमरे होटल में भाड़े में लिए जाते हैं घर में नहीं। और कवि इस पूरी दुनिया को अपना घर मानते हैं, वो सोचते हैं जहां वो बसेंगे वही उनका बसेरा है, वैसे कमरे में सिर ढकने के लिए बस एक कमरा काफी है, क्योंकि कवि की नींद चिड़िया के बराबर है, इतनी सी नींद है, अब इतनी सी नींद को बिताने के लिए इतने सारे कमरे मैं क्या करूं, ये बेकार है।
बल्कि अगर वो कमरे बच गए तो किसी और के काम आएंगे, कोई और उन कमरों में रह सकता है। मेरी इतनी सी नींद को बिताने के लिए एक कमरा मेरे लिए काफी है, क्योंकि पूरी दुनिया मेरा घर है, ये कोई होटल नहीं है। मैं सिक्कों पर अपना नाम और चेहरा क्यों खुदवाऊंगा? मैं जानता हूं बाजार से बाहर उनका कोई मोल नहीं है। कवि कहते हैं कि अक्सर अमीर लोग सिक्कों पर, तांबे पर अपना चेहरा और नाम खुदवाते हैं, ये उनका शौक है। वे सोचते हैं कि सिक्कों पर, तांबे पर अपना नाम और चेहरा खुदवा कर वे हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। लेकिन सच तो यह है, इंसान दुनिया में अपनी पहचान अपने कर्मों से बनाता है, सिक्कों पर नाम या चेहरा खुदवा कर नहीं। दुनिया लोगों को उनके कर्म के लिए याद करती है, उनके ठाट बाट के लिए नहीं, उनके पैसों के लिए नहीं, उनकी अमीरी गिरी के लिए नहीं, उनके कर्मों के लिए दुनिया उन्हें याद करती है। तो कवि ये तर्क देते हैं कि सिक्कों पर मैं अपना नाम और चेहरा क्यों खुदवाऊं, क्योंकि ये सिक्के सिर्फ और सिर्फ बाजार में चलते हैं, वो बाजार ही दुनिया। इस दुनिया में सिर्फ सिक्कों का खनक सुनाई देता है, दुनिया के बाहर सब एक ही है। वहां करोड़पति भी जिस हालत में जाएगा, एक भिखारी भी उसी हालत में ही जाएगा। दोनों को दो गज जमीन में ही दफन होना पड़ेगा, अमीर को भी और गरीब को भी। अमीर भी उसी दो गज जमीन में दफन होगा, गरीब भी उस दो गज जमीन में ही दफन होगा। इसलिए कवि कहते हैं वहां जाने के लिए ना हाथी है ना घोड़ा है, सबको पैदल जाना है, सबको एक जैसा ही जाना है। तो फिर इन सिक्कों पर अपना नाम चेहरा हम क्यों खुदवाएं, जबकि दुनिया में पहचान सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों से ही बनती है। किसी ने सही कहा है, किसी ने सही कहा है, खूबियां हम में इतनी है नहीं, खूबियां हम में इतनी है नहीं कि किसी के दिल में घर कर पाएंगे, खूबियां हम में इतनी है नहीं कि किसी के दिल में घर कर पाएंगे, मगर हमें भूलना भी आसान नहीं होगा, जरूर ऐसा कुछ कर जाएंगे। मतलब अपने कर्मों से हम अपनी पहचान बनाएंगे, सिक्कों से नहीं। हम अक्सर मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वार, ये सब जगह जाते हैं भगवान की तलाश करने के लिए, ईश्वर की तलाश करने के लिए। सच पूछा जाए वहां पर या तो तस्वीर होती है या फिर मूर्ति। हम वहां जाकर मन्नत मांगते हैं। अक्सर लोग धर्म के नाम पर मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वार जैसे धर्म स्थलों के नाम पर बड़े बड़े जगहों पर कब्जा कर लेते हैं, कहीं पर मंदिर बना लेते हैं, कहीं पर मस्जिद बना लेते हैं, तो कहीं पर गिरजा, तो कहीं पर गुरुद्वार बना लेते हैं। कवि का यह मानना है मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वार के नाम पर हम जिन बड़े बड़े जगहों पर कब्जा करके बैठते हैं वहां तो कोई ईश्वर होते नहीं है, लेकिन उतनी ही जगह ना मिलने के कारण सैकड़ों गरीब खुले आसमान के नीचे ठंड में कांपते हैं, बारिश में भीगते हैं, धूप में सूखते हैं, सिर छुपाने के लिए उनके पास छत नहीं है। भगवान किसी झोपड़ी के अंदर कांपते हैं, हम मंदिर में या मस्जिद में चादर चढ़ा कर आते हैं।
भगवान किसी झोपड़ी में प्यासा भूखा तड़पते हैं, हम पत्थर पर दूध चढ़ाते हैं, भोग चढ़ाते हैं। लेकिन अगर इस बात को हम सच माने कि ईश्वर हर प्राणी के हृदय में, हर प्राणी के शरीर में होते हैं, तो वही खाना, वही दूध अगर हम किसी गरीब को दें तो हो सकता है वो हमें हाथ उठाकर दिल से दुआ दे कि भगवान तेरा भला करे। लेकिन हम वो करते हैं, इसलिए कवि जी कहते हैं, मैं मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा जैसे धर्म स्थल मैं क्यों बनवाऊं, क्योंकि ये सिर्फ ढोंग है, झूठ है, पाखंडी है, वहां कोई ईश्वर नहीं होते। सिर्फ जगह पर कब्जा करने के लिए मंदिरों के नाम पर, मस्जिदों के नाम पर लोग वहां धर्मस्थल बना लेते हैं। मैं क्यों जमा करूंगा इतने तोप तमगे छाते, इतने घोड़े कुत्ते हीरे मोती, इतना हरबा हथियार, ऐसे ऐसे जहाज। तो कवि कहते हैं लोग पैसे के दम पर टोप टोपियां तमगे सील जहाज हथियार हीरे जवाहरात घोड़े हाथी सब कुछ जमा करते सिर्फ और सिर्फ अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए और पैसे की ताकत दिखाने के लिए। कवि कहते हैं ये टोपियां, ये तमगे, ये हथियार, हरवा हथियार, ये जहाज, ये घोड़े कुत्ते हाथी, ये सब मैं इकट्ठा क्यों करूं, ये सब सिर्फ बेकार है, व्यर्थ है। मैं पैसे की ताकत दिखाना नहीं चाहता, मैं पैसे के घमंड में चूर होना नहीं चाहता, इसीलिए ये हरबा हथियार जहाज हीरे जवाहरात घोड़े कुत्ते टोपियां तमगे ये सब जमा करना मुझे पसंद नहीं है, वो बाहर दिखावा करना मुझे पसंद नहीं है। मैं क्यों रहने जाऊंगा चांद पर, वो मुझे धरती से ही दिखाई देता है बहुत सुंदर। कुछ लोग पैसे के घमंड में इतना चूर हो जाते हैं कि चांद पर जगह खरीदने की इच्छा रखते हैं। हो सकता है वो इतने अमीर हो कि चांद पर भी जगह खरीद ले, लेकिन कवि का यह मानना है कि इंसान के पैर धरती पर ही होना चाहिए। जब तक इंसान के पैर धरती पर रहेंगे तब तक इंसान अपनी औकात में रहेगा, और हर इंसान को अपनी औकात में रहना चाहिए। इंसान को आसमान में उड़ना नहीं चाहिए, उसे जमीन पर ही रहना चाहिए। जब तक इंसान के पैर जमीन पर है तब तक इंसान अपनी औकात में रहेगा। इसलिए कवि कहते हैं मैं चांद पर रहने क्यों जाऊंगा, वहां तो ना हवा है, ना पानी है, ना रोशनी है। सिर्फ पैसे के घमंड में लोगों का एक शौक है कि चांद पर भी जगह खरीद ली जाए। इसलिए कवि कहते हैं मैं चांद पर रहना बिल्कुल पसंद नहीं करता, मुझे धरती से ही मेरा चांद बहुत सुंदर दिखाई देता है, शीतल और कोमल, चांद की चांदनी और उसकी शीतलता में मैं सिर्फ समय गुजारना चाहता हूँ, ना कि चांद पर जगह खरीदना चाहता हूँ। मुझे चांद पर नहीं रहना है, मेरे पैर मेरे कदम जमीन पर ही रहेंगे, मैं अपनी औकात में ही रहना चाहता हूँ। औकात से ज्यादा उड़ना किसी के लिए भी अच्छी बात नहीं है। तीन डग में ही मैं क्यों नाप लूंगा तीन लोग, सब कुछ छीन कर किसी को क्यों भेजूंगा पाताल। मैं क्यों कब्जा करूंगा इस धरती पर, किसी को जरूरत हुई तो दे दूंगा उसे भी, जो भी होंगे मेरे पास खेत खलिहान। तीन डग में सब कुछ नाप कर कब्जे में लेकर पाताल में यानी कि रसातल में अगर किसी ने किसी को भेजा था तो वो थे स्वयं भगवान विष्णु।
52 अवतार में आकर महादानी बलि राजा को पाताल में दबोच लिए थे। बलि महादानी थे और वे महादानी होने के कारण प्रजाओं को अपने संतान के रूप में देखते थे और प्रजाओं की हर जरूरत को वे पूरा करते थे। तब प्रजा राजा का गुणगान करते थे। तब जो भगवान है, ये भगवान के पास पूरा कॉपीराइट है कि मारने का अधिकार भी इनका ही है, जिंदा रखने का अधिकार भी इनका ही है। इन भगवान लोगों को ये पसंद नहीं कि कोई इंसान भगवान बन जाए। जैसे आप लोग मूवी में देखते होंगे, अगर कोई नॉर्मल आदमी एक कॉर्पोरेटर जिंदगी में बन जाता है, तो बड़े बड़े कॉर्पोरेटर हाउस है वो षड्यंत्र करते हैं, या तो उसको मार देते हैं या फिर उसकी कंपनी को डुबाने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि इन्हें मंजूर नहीं कि गरीब आदमी हमारा बराबर हो जाए। ये इन्हें अपनी स्थान के खिलाफ लगता है, इसलिए लोग किसी गरीब को अमीर बनते हुए देखना नहीं चाहते हैं। इन्हें अपने पैसे का घमंड है, अपने पद का घमंड है और अपना वजूद का घमंड है। उसी तरह देवताओं को भी अपने पद का और वजूद का घमंड था। जब चारों देशवासी बलिराज का गुणगान करने लगे, देवता इस बात को सहन नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु को भेजा। भगवान विष्णु वामन अवतार में आए और बलिराजा को 3 कदमों की जमीन दान में मांगी। बलिराजा उन्हें 3 कदमों की जमीन दी थी। 1 कदम में पूरी धरती नाप ली, 2 कदम में पूरा आसमान नाप ली और 3 कदम से उन्होंने बलिराजा को पाताल में दबोच लिया। आप के पास क्षमता है, इसलिए आप भगवान हो। लेकिन अगर भगवान ही इंसान पर ईर्ष्या करने लगे तो फिर इंसान की रक्षा करेगा कौन? इसलिए कवि कहते हैं, ताकत के बल पर मैं 3 डग में 3 कदमों में पूरे संसार को नाप कर कब्जे में लेकर किसी को निस्व बनाकर सर्वस्वांत बनाकर किसी को पाताल में दबोचना नहीं चाहता हूं, किसी को रसातल में भेजना नहीं चाहता हूं, किसी का सब कुछ छीन कर किसी को भिखारी निस्व और गरीब बनाना मुझे पसंद नहीं है। इस धरती पर सबका अधिकार है। मैं इस धरती पर ताकत के बल कब्जा करना नहीं चाहता हूं, बल्कि साम्यता की दृष्टि से अगर किसी गरीब को जरूरत पड़े तो जो कुछ थोड़ी बहुत जमीन खेत खलिहान के रूप में मेरे पास है वो भी देने के लिए मैं तैयार हूं। यहां कवि साम्यवाद का प्रचार करते हैं, साम्यवाद का संदेश देते हैं। इस धरती पर सबको जीने का अधिकार है और सबको समान रूप में समान अधिकार के साथ जीने का हक है, इसलिए वे किसी का हक किसी का अधिकार छीनना पसंद नहीं करते अपनी ताकत के बल पर। मैं कोई दरिंदा नहीं जो किसी धरती पर बम गिराने चला जाऊंगा, मैं मनुष्य हूं, तेल पीते और खून चूसते हुए क्यों बिता दूंगा अपना जीवन। यहां पर कवि मानविकता और साम्यवाद का संदेश देते हैं। कवि कहते हैं कि अक्सर विश्व में जो बड़े बड़े ताकतवर देश होते हैं, जैसे रसिया, अमेरिका, ये सब, ये जो बड़े बड़े ताकतवर देश जो हैं, ये ताकतवर देश अपनी ताकत के बल पर दूसरों के प्रांत में जाकर दूसरे कमजोर देशों के ऊपर अधिकार जमाना चाहते हैं।
छोटे छोटे देशों को कब्जे में लेना चाहते हैं, उन पर कब्जा करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ईरान, इराक, नाइजीरिया, सीरिया, ये जो छोटे छोटे देश जो है जहां पर ऑयल माइंस है, तेल के खदान, वे देश छोटे छोटे इन देशों पर तेल के ऊपर कब्जा करने के लिए बॉम्ब गिराकर सैकड़ों लोगों की जान ले लेते हैं अपनी ताकत दिखाने के लिए, सिर्फ वो तेल के खदान के ऊपर हक जमाने के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति और ताकत को बढ़ाने के लिए। यदि क्रूरता के साथ छोटे छोटे देशों पर बॉम्ब गिरा देते हैं और सैकड़ों लोगों की जान ले लेते हैं, उन तेल खदानों पर कब्जा कर लेते हैं। कभी आप मानवता का परिचय देते हुए कहते हैं, यह सब एक दरिंदे का लक्षण है और मैं कोई दरिंदा हूं नहीं, मैं इंसान हूं और मेरे अंदर इंसानियत जिंदा है। मैं किसी दरिंदे की तरह किसी का खून चूसकर, तेल पीकर अपना जीवन बिताना पसंद नहीं करता हूं। इस दुनिया में मुझे इंसान बनकर ही जीना है और इंसानों के बीच में ही जीना है। और यहां कभी मानवीयता और साम्यवाद को ज्यादा महत्व देते हैं, इसलिए कहते हैं हमें हमेशा मानवीयता का प्रदर्शन करना चाहिए और संसार में मानव बनकर दूसरों की सहायता करते हुए मित्र मैत्री भावना के साथ ही संसार में जीना है, तभी समाज और देश की प्रगति संभव है, वरना नहीं। सो स्टूडेंट्स, टुडे ऑलरेडी टाइम ओवर, इन नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट your last approach, Meri Shikhar Yatra. If you have this book, you previously read that lesson, it will be helpful for you. Now have a nice time. Keep smiling. Thank you.